और मैडम गुरुद्वारे का रास्ता है मंदिर चंडी का जो ये मैं कुछ समय पहले होकर के तुलवा रही हूँ। इनसे बस इतना बोला जा रहा है कि हम कुछ ना कुछ पेपर लेकर आएंगे लेकिन ये मैडम नहीं मान रही है। अरे मैडम निकलने जो रास्ता जो रात को दे और अब कहाँ निकलेंगे, रात को कहाँ निकलेंगे, आप लोग साल भर सोइए। तो सब आसपास जो है फार्म बने हुए हैं, सब सिखों के ही फार्म है। पीछे भी अगर आप देखेंगे वो मकान पीछे दिख रहा होगा, मगर अब जो है ये पता नहीं किसके आदेश पर ये जो रास्ता जो है जो 2004 में लोगों को दे दिया गया था, छोड़ दिया गया था, आज वो आमादा हैं कि इसको जो है ये रास्ता बंद कर दें। अब आप खुद सोचिए इस गुरुद्वारे को जो 58 का बना हुआ गुरुद्वारा है इस पर आने जाने का रास्ता पूरी तरह से बंद हो चुका है। मैं निवेदन करूँगा जो भी मेरी वीडियो को इसको देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा सिख यहाँ पर पहुँचे, अभी तो करीबन 150 की तादाद पर लोग यहाँ पर आ गए हैं। आप भी लोग जो जो इस वीडियो को देख रहे हैं कृपया करके यहाँ पहुँचे। मेमोरा में ये गुरुद्वारा है, बहुत मशहूर गुरुद्वारा है, काफ़ी पुराना गुरुद्वारा है, सिखों की बहुत आस्था इसके अंदर है और हर धर्म के लिए ये गुरुद्वारा है। गुरु नानक जो थे वो एक खाली सिख कौम के नहीं थे, वो तो हर लोग उनको मानते थे, हर धर्म के मानने वाले उनको मानते थे, तो सर्व धर्म का ये गुरुद्वारा है। और इस तरह से ये रास्ता खोद के इनका ये रास्ता बंद कर दिया गया। अगर ये मीडिया बंधु कोई मेरी ये वीडियो देख रहे हो तो कृपया करके इसको अपने चैनल पे भी चलाएं और अगर कोई कवरेज के लिए आना चाहे तो ये मेमोरा गांव में आ जाएं। ये सब प्रबुद्ध लोग जो हैं लखनऊ के, ये सब यहाँ पे बैठे हुए हैं, सुबह से ही बैठे हुए हैं। कल पूरी फोर्स और आर्मी लगा के इसको इस तरह कराया गया। जिस देश की आर्मी होती है वो हमारी सुरक्षा के लिए होती है और उसको यहाँ पे लगा के, पुलिस को लगा के जो हमारे सुरक्षा में होना चाहिए उनको लगा के जबरियन ये रास्ता तोड़ा गया है। मैं निवेदन करूंगा जो भी इस वीडियो को देख रहे हो कृपया करके आप लोग भी पहुंचे, नंबर नहीं है उसका हमारे पास, मैं क्या बोलूं, और इस अन्याय के खिलाफ खड़े हों। मैं सभी से निवेदन करूंगा कि आप लोग यहाँ पे पहुंचे। हम लोगों ने अब बताइए कैसी सरकार चुनी है, अब देखिए रातों रात ये देखिए पिलर खड़े कर दिए गए, ये देख रहे हैं रातों रात जबरियन ये पिलर खड़े करके। अब ये दीवार जो है इस पिलर के हिसाब से आप समझ सकते हैं कि वो पीछे की दीवार अगर आपको दिख रही हो तो इस तरह से ये दीवार पूरी है। ये मेन गेट का ही पूरा गुरुद्वारा वो व्हाइट कलर से लेके ये पूरे गुरुद्वारे का ही रास्ता, और अब देखिए पूरी तरह से जो है अब इसको बंद करने में आमादा है और मेन गेट यही है और कोई आने जाने का रास्ता इधर को नहीं है। इनका ये कहना है कि आप देखिए कहाँ से आप रास्ता लेंगे। अब चूंकि ये अगर मेन गेट यहाँ पर लग जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि गुरुद्वारे में कैसे आएंगे जाएंगे, गुरुद्वारे में सेवा कैसे हो पाएगी। ये हाल है, ये गुरुद्वारा साहब है। अभी काफी लोग यहाँ पे भी बैठे हुए हैं, बात हो रही है, बाबा जी वहां बैठे हुए हैं, जो जो सुन रहा है वो आ रहे हैं। काफी बड़ा है ये लंगर हाल बना हुआ है यहाँ पे। काफ़ी पुराना गुरुद्वारा है, सन 58 का बना हुआ यह गुरुद्वारा है और आज की डेट में इस तरह से ये जो जो सुन रहा है वो चला आ रहा है। अभी तक हम लोग जो है ये देखिए गुरुद्वारा साहब है और स्थापित है गुरुद्वारा साहब, काफ़ी सालों से यहाँ पे स्थापित है। गुरु महाराज की सवारी पड़ी हुई अंदर। मैं निवेदन करूंगा जो अगर कोई हमारी आवाज़ योगी आदित्यनाथ जी तक पहुंचा सके, योगी जी मोदी जी तक पहुंचा सके, राजनाथ सिंह जी तक पहुंचा सके कि इस तरह से ये गुरुद्वारे का निर्माण सन 58 में हुआ था और डॉक्टर ओंकार सिंह जो लखनऊ में मशहूर डॉक्टर हैं उन्हीं के पिताजी द्वारा ये ज़मीन दान की गई थी। काफ़ी बड़े एरिया में ये बना हुआ है, देखिए आप सन 64 में यहाँ पे छावनी आई है तो पहले ये गुरुद्वारा था और ये सबको पता था, आर्मी को भी पता होना चाहिए रास्ता है। और इससे कौन सी सिक्योरिटी उनकी ख़राब हो रही है, यहाँ तो धार्मिक आस्था वाले ही लोग आएंगे। जिस तरह से आप देख रहे हैं लोग यहाँ पे आ गए हैं, काफ़ी लोग आ रहे हैं
और भी जो जो सुन रहा है वो चला आ रहा है यहाँ पे। तो मैं आपसे निवेदन करूँगा, कृपया करके मिजेंद्र सिंह सिरसा जी अगर मेरी वीडियो ये देख रहे हों, वो काफ़ी मुखर होते हैं, बताते हैं अपने आप को कि हम बहुत मुखर रहते हैं, तो ये देखें कि यहाँ पे इस समय ये हम ये भारतवर्ष की वीडियो है, ये कहीं विदेश की वीडियो नहीं है। यहाँ पे इस तरह से इस रास्ते को पूरी तरह से, ये मेन गेट है आने का, यही एक रास्ता, एकमात्र रास्ता यही है इसका, इसको इस तरह से ही रोक दिया गया है। और ये पूरी, ये तो चलिए थोड़ा सा इन्होंने कल अवरोध हुआ, जो कई लोग पहुंच गए थे उस कारण ये रास्ता थोड़ा सा रह गया आने जाने के लिए, बाकी तो इन्होंने पूरा जेसीबी लगा के इसको खोद ही दिया था। तो अभी डीएम साहब या एडीएम साहब कोई अधिकारी यहाँ आने वाले हैं, तो मैं निवेदन करूँगा अगर मीडिया का साथी कोई इसको देख रहा हो तो कृपया करके कवरेज है तो यहाँ पर भेज दें, और हमारी जो आवाज़ है, जो चौथा स्तंभ है मीडिया, हम जो ये सिखों के धार्मिक स्थान है, ये आस्था का स्थान है, इस स्थान के जो मेन गेट को है इसको बचाने के लिए अपनी आवाज़ बने, हम लोगों की आवाज़ बने और सरकार तक ये आवाज़ पहुंचाए कि ये किस तरह से ऐसा हो रहा है। अंग्रेजों का शासन चल रहा है या मुगलों का शासन चल रहा है, उस समय भी हम समझते हैं कि इस तरह से नहीं हुआ होगा जो इस तरह से वर्तमान सरकार में हो रहा है। तो मैं निवेदन करूँगा सरकार का कोई प्रतिनिधि अगर मेरी वीडियो को देख रहा हो तो कृपया करके योगी जी तक, आगे मोदी जी तक और राजनाथ सिंह जी तक ये बात पहुंचाए कि ये देखिए आपके रहते हुए किस तरह से एक जो सर्वधर्म है, जिसने अभी लॉकडाउन में ही आप देख लीजिए कुर्बानियों के अलावा लॉकडाउन में जितने गुरुद्वारों के में लंगर खुल गए थे, जो मजदूर श्रमिक बाहर से आ रहा था उनके लिए लंगर लगा दिए गए थे। हम ऐसी कौम हैं, हम लोगों की सेवा में हमेशा लगे रहते हैं, इस देश के हर तरह की तरक्की में, टैक्स में, हर तरह में हम लोगों का योगदान रहता है, और हमारे ही गुरुद्वारों को इस तरह से आगे से बंद कर दिया जाए तो हम क्या मानें, ये मुगलों की सरकार है या अंग्रेजों की सरकार चल रही है? ये देख लीजिए सब लोग अपना काम छोड़ के यहाँ पे बैठे हुए हैं, सब किसान हैं, कोई बिजनेसमैन है, सब लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। आप लोग भी जो मेरी इस वीडियो को देख रहा हो, कृपया करके ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पे पहुँचें, और इस जो गुरुद्वारा है ये सर्वधर्म का ये गुरुद्वारा है, ये अल्लाह का भी घर है, ये राम का भी घर है, ये वाहेगुरु का भी घर है। तो इस घर को के जो रास्ते को रोका जा रहा है, इसके अवरोध के लिए आप जिस धर्म के भी हों कृपया करके यहाँ पे पहुँचें, और जो हमारा संवैधानिक हक है अपनी बात रखने का, उसके तहत हम अपनी बात यहाँ पर शांतिपूर्वक प्रशासन शासन को बताएँ, ताकि हम लोग को ये सिर्फ ये रास्ता, ये गुरुद्वारे का रास्ता छोड़ दें जो 2004 में इन्होंने छोड़ दिया था, उसी स्थिति को बहाल रखें और ये रास्ता जो है बना रहे। ये लखनऊ के सिखों के लिए, हर धर्म के लोगों के लिए आस्था का केंद्र है, और ये मेन गेट, इसी गेट से ही ये रास्ता निकलता है। मैं सभी से निवेदन करूंगा कृपया करके ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे पहुँचें, और मीडिया बंधुओं को अगर हो सके तो सूचना दे दें, मैं यहीं पे हूँ, जब तक ये क्लियर ना हो जाए तब तक यहाँ से हिलने वाला नहीं। ओके, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु।